वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा पालिका की बड़ी कचहरी पर आयोजित हुई थी, जिस दौरान शहर के विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि पालिका की सामान्य सभा में गंदे पानी का मुद्दा, स्लॉटर हाउस के आसपास गंदगी का मुद्दा, रोड और प्लेवर ब्लॉकिंग का मुद्दा और साथ ही अन्य कई मुद्दों को विपक्षी नेता अमीबेन रावत और साथ ही पूर्व विपक्षी नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत अन्य काउंसिलरों की ओर से उठाया गया और साथ ही मेयर म्युनिसिपल कमिश्नर पर कई प्रहार भी विपक्ष की ओर से किए गए। साथ ही इन मुद्दों को लेकर जल्द ही कड़े कदम उठाने की मांग भी विपक्ष ने साझा की। तो वहीं दूसरी ओर सामान्य सभा में एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल सफाई सेवकों की 1200 जितनी जगहों पर भर्ती करने का फैसला सामान्य सभा में लिया गया है। अजय कुल 7 कामों सभा में लेवामां आव्या हता, एमांथी मात्र काम नंबर 3 जो वोटिंग थी मंजूर करवामां आव्यु, बाकी 7 मांथी बाकीना 6 कामों मंजूर करवामां आव्या छे। आजे वडोदरा महानगरपालिकानी आ सभा खरेखर ऐतिहासिक सभा यादगार रहेशे, कारण के 1200 नवा सफाई सेवकों माटे 1200 नवा मेकअप उभा करवामां आव्या छे। एनी साथे साथे 680 जेटला जे लोग मानवदिन अने करार आधारित था तेमने रोजमदारी पर अने जे लोग रोजमदारीना 720 दिवस पूर्ण करेल छे तेमने कायमी करवाना आवा अति महत्वना निर्णयों आजनी सभा में लेवामां आव्या छे।